वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के सिलसिले में तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले आप दो सेक्शंस पढ़ चुके हैं। इससे जो पिछला सेक्शन आपने पढ़ा था उसमें आपने डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी यानी कि मरकज गुरेज मईशत या गैर मरकजी मईशत के बारे में पढ़ा कि चीन ने कैसे अपनी मईशत को गैर मरकजी ढांचे पे उस्तवार किया है। उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो एन एग्जेम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट के जो उनका समाजी एक्सपीरियंस है कि कैसे उन्होंने अपने लोगों को मगरब के असरात से बचाया और वो जो ग़ुलामाना ज़हनियत होती है उससे लोगों को बाहर निकाला और हर शख्स को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया कि हर शख्स अहम है, और उन्होंने अपनी आबादी पर कैसे काबू पाया। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर शुरू होगा इस हेडिंग से, डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर ओल्ड, के एक 16 साल तालिब इल्म जो उसकी ज़िंदगी का दिन कैसे गुजरता है, हाउ डू दे स्पेंड देयर डे इन चाइना, हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली, कि चीन के अंदर तालिब इल्म कैसे रहते हैं और उनकी इनफरादी सोच क्या है। डिस्पाइट हैविंग टू यूज़ एन इंटरप्रेटर का मतलब होता है तर्जमान, के जो राइटर है वो चीनी ज़बान नहीं बोल सकता लिहाजा उसको तर्जमान की ज़रूरत पड़ी ताकि वो किसी चीनी तालिब इल्म का इंटरव्यू ले सके। आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, के तर्जमान का इस्तेमाल करने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चला कि चीन के तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी का दिन कैसे गुजारते हैं। हेयर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई इंटरव्यू विद जी वैन सू, कि जी वैन सू नामी तालिबा है उसका राइटर ने इंटरव्यू किया है और जो इंटरव्यू में सवाल और जवाब उसको मिले वो हमारे साथ राइटर शेयर कर रहे हैं। अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपू एट शंघाई, कि ये 16 साल लड़की है जी वैन सू जो कि शंघाई के अंदर पेंगपू डिस्ट्रिक्ट में रहती है। शी इज़ प्यूपल इन क्लास 3 एट द जूनियर स्कूल, कि वो तीसरी क्लास की तालिबा है, तीसरे लेवल की तलबा है वो। शी विल शॉर्टली बी टेकिंग हर डिप्लोमा, थोड़े ही अरसे में वो अपना डिप्लोमा हासिल कर लेगी। तो राइटर उसे क्वेश्चन करता है, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, कि आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं। और इस क्वेश्चन के बदले में जी वैन सू आंसर करती है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह 6 बजे वो उठती है, डू अ फ्यू चोर्स इन द हाउस, और घर के जो ज़रूरी काम होते हैं जिसमें झाड़ू लगाना, नाश्ता बनाना या वालदा की हेल्प करना, वो सारे काम करती है। हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद नाश्ता करती, एंड गो टू स्कूल एट 8, और 8 बजे स्कूल पहुंच जाती हूँ। आई फिनिश एट 11 o'clock, और 11 बजे स्कूल का दौरानिया या स्कूल का वक्त ख़त्म हो जाता है। आई गो होम एंड हैव लंच, स्कूल से वापसी के बाद ज़ाहिर है वापसी घर पे होती है और घर में लंच यानी कि दोपहर का खाना खाते हैं। एट 1:30 आई एम बैक एट स्कूल अगेन अनटिल 3 o'clock, और उसके बाद वो ये कहती है कि 1:30 बजे दोबारा स्कूल जाते हैं, 1:30 से लेकर 3 बजे तक, यानी कि स्कूल जो है वो 2 शिफ्टों में काम करता है। सारे बच्चों को दिन में 2 दफ़ा स्कूल जाना पड़ता है, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद आप अपने घर जाएं, दोपहर का खाना खाएं, रिलैक्स हों, और उसके बाद 1:30 बजे आप दोबारा
स्कूल आ जाएं, 1:30 से लेके 3 बजे तक दोबारा स्कूल। देन आई गो बैक होम एंड वर्क। 3 बजे के बाद वापस दोबारा ज़ाहिर है वापसी घर होगी, और घर जाकर घर के काम यानी कि वालदा की मदद करना, जो घरेलू काम होते हैं उनको सर अंजाम देना। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होम वर्क एट होम? राइटर क्वेश्चन करता है कि आप अपने घर में जो स्कूल का काम होता है, जो कि होमवर्क दिया जाता है, उस पर कितना वक्त लगाती हैं? वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल। तो उसके बदले में वो स्टूडेंट आंसर करती है कि हम जो होमवर्क या जो भी वर्क होता है वो हम स्कूल पे ही करते हैं, होमवर्क नहीं होता। एट होम आई गो थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर। के घर में सिर्फ 1 घंटा दोबारा वो लेसन्स जो कि स्कूल से मिलते हैं उनको रिवाइज़ किया जाता है, ताकि वो नॉलेज फ्रेश रहे। फ्रॉम 4 o'clock ऑन आई रिलैक्स। 4 बजे के बाद मैं रिलैक्स करती हूँ, रीडिंग द पेपर्स एंड लिसनिंग टू द रेडियो। और ये जो रिलैक्सिंग का टाइम है, रिलैक्सिंग के टाइम में अखबार पढ़ना, रीडिंग द पेपर्स एंड लिसनिंग टू द रेडियो, और इसके अलावा रेडियो सुनना। अब ये अखबार पढ़ना जो है ये एक इंतहाई अच्छी हैबिट है, क्योंकि इससे आपको इस चीज़ का इल्म हासिल होता है कि आपके इर्द गिर्द दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं और क्या वाकयात हो रहे हैं। What news are you most interested in? राइटर क्वेश्चन करता है कि आपको किस किस्म की खबरें अच्छी लगती हैं। All political news which illustrate the national and international situation। कि वो कहती है कि सारी सियासी खबरें मुझे अच्छी लगती हैं, ऐसी खबरें कि जिनसे मुल्की हालात और बैनुल अक्वामी हालात जो हैं, कि हमारे कौमी अपने मसाइल, चीन के मसाइल, और जो आपके बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जिनसे इल्म हासिल हो, वो सारी खबरें अच्छी लगती हैं। What do you do when you meet with your girlfriends? कि जब आप अपनी सहेलियों से मिलती हैं तो आप क्या करती हैं? I often go out with girls and boys of my age. वो ये कहती है कि मैं अपने हम उम्र लड़कों और लड़कों के साथ बाहर जाकर खेलती हूँ। We do some sports, कि हम कुछ games खेलते हैं, and often play ping pong. Ping pong national game है चाइना का, टेबल टेनिस के नाम से आप इसको अपने मुल्क में जानते हैं। तो ये कहती है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो मशगला है वो है पिंग पोंग खेलना। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है चाइनीज़ वुमन, कि चीन की औरतें, कि चीन की जो औरतें हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं। ये वाला पैराग्राफ बेटा काफ़ी अहमियत का हामिल है, इस वजह से क्योंकि हर इम्तिहान में तकरीबन इस पैराग्राफ पे सवाल आ ही जाता है। फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल देर इज़ अ लैक ऑफ फेमिनिटी इन द चाइनीज़ वुमन, कि अगर आप मगरिब के जाविये से या अगर आप मगरिब के नुक्ते नज़र से देखें तो चीनी औरतों के अंदर निस्वानियत या निस्वानी हुस्न जो है वो नहीं पाया जाता। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, के वो खूबसूरती के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, कि जैसे क्रीम्स हो गया, शैम्पू, लोशंस, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन द फिल्म्स और लिटरेचर, कि जो उनकी मूवीज़ हैं या जो उनका लिटरेचर है, जो अदब है, उसके अंदर जिन्स और जिन्सियत का जिक्र नहीं मिलता। इन द लैंड ऑफ ओपियम ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, कि एक ज़माना था कि
इस चीन की सरजमीन को ओपियम की सरजमीन के नाम से जाना जाता था। ओपियम का मतलब अफीम, अफीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। आज उस सरजमीन पर मंशियात नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलती। माओ सेज दैट वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई एंड वुमेन फॉर देयर पार्ट आर डिटरमिन्ड टू कीप देयर हाफ रेज्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड अप बाय मैन। के माउज़ तुंग जो कि चीन का एक बहुत बड़ा लीडर था, उसका ये कहना है कि जो औरतें हैं उन्होंने अपने सर पर आधा आसमान उठा रखा है, और जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है कि वो इस चीज़ का उन्होंने इरादा कर रखा है कि वो अपने हिस्से का जो आधा आसमान है उसको इतना ही बुलंद रखेंगी कि जितना के मर्दों ने रखा है। बात का मतलब ये है कि जो जितना भी काम एक मुल्क में होता है वो काम सब ने मिलकर करना है, आधा काम मर्दों ने करना है और आधा काम औरतों ने करना है, और सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। कि औरतें काम करेंगी तो फिर ही मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। बेसिकली माओ के कहने का मतलब ये है, व्हेन द चाइनीज वुमेन लिस्ट्स द सोशल बेनिफिट्स शी इंजॉय, कि जब चीनी औरतें जो उन को समाजी हिफाजत हासिल है जब वो उसकी लिस्ट बनाती हैं तो वो हमें ये चीज़ बताती हैं कि दे हैव 8 आवर्स वर्किंग डे, के 8 घंटे दिन में उनको काम करना पड़ता है, और 8 घंटे दिन में काम करने के बदले में फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, के हस्पतालों में फ्री मुफ्त इलाज होता है एंड मेडिकल केयर, और जितने भी आपकी मेडिसिन या जितने टेस्ट्स होते हैं सारे के सारे फ्री होते हैं। नर्सरी एंड इन्फेंट स्कूल्स और स्कूल्स जो हैं उनकी तालीम इन औरतों के बच्चों के लिए फ्री होती है। 56 पेड लीव्स बिफोर द चाइल्ड बर्थ एंड आल्सो विदाउट चार्ज, के बच्चे की पैदाई से 56 दिन पहले पूरी तनख्वाह के साथ उनको छुट्टी मिलती है, और जो बच्चे की पैदाइश है उस पे कोई खर्चा नहीं आता। इट इज़ आल्सो डन विदाउट चार्ज। शी ऑलवेज कंक्लूड्स बाय अफर्मिंग दैट इन द वेस्ट वुमन हैव नॉट येट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ऑल दिस, कि चीन की औरतें अपनी बात का अख्तिताम इस बात पे करती हैं कि मगरिब की औरतें जो कि अपने आप को ज़्यादा आज़ाद समझती हैं उनको आज भी, आज सन 2020 में भी शायद इतने हकूक हासिल नहीं हैं जो कि चीन की औरतों को आज से 20 साल पहले हासिल थे। हाउएवर वी चाइनीज आर वर्किंग सो दैट द वुमन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इक्वली हैप्पी एंड एन्जॉय द एडवांटेजेस वी हैव। वो कहती हैं कि हम चीन की औरतें इस वजह से एक मेहनत करती हैं, इस वजह से काम करती हैं कि पूरी दुनिया की औरतें हमारे बराबर खुशी हासिल करें और उनको भी वही मकाम हासिल हो जो आज हमें हासिल है। दिस रेडिकल चेंज इन द वुमेंस कंडीशन इन चाइना हैज़ गिवन वुमेन अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हेयर टू अननोन टू देम, कि ये जो औरतों की हालत ज़ार के अंदर एक रेडिकल इनकलाबी किस्म की जो तब्दीली आई है इसने औरतों को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिया है, इसने औरतों को अ डिग्निटी और उनको इज्जत मिली है एंड एन अनडाउटेड अवेयरनेस ऑफ कैरिंग आउट एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया गया है कि जो आपने काम किया है या जो काम आप
कर रही हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है बेटा, दो हेडिंग्स आपने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। नेक्स्ट इसकी आखिरी हेडिंग है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।